नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देशभक्त पर। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों के सितंबर माह के मासिक राशि फल के बारे में। दोस्तों, इस महीने कुछ ग्रह अपने चाल बदलने वाले हैं, तो उन ग्रहों के चाल बदलने से आपकी राशि किस तरह प्रभावित होती है, ये आपको इस राशिफल में जानने को मिलेगा। दोस्तों, इस महीने दो ग्रह राहु और केतु अपनी दिशा परिवर्तन करेंगे, और ये दोनों ग्रह हमेशा एक साथ चाल परिवर्तन करते हैं और हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों ग्रहों के चाल परिवर्तन से या ग्रह परिवर्तन से आपकी राशि किस तरह प्रभावित होती है, ये आपको इस राशिफल में जानने को मिलेगा। तो आप मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस महीने में सामान्य तौर पर मकर राशि के जातकों का राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। तो दोस्तों, मकर राशि के लोगों की सोच में बदलाव आएगा और वो हर बात के दोनों पहलुओं को समझकर ही कोई निर्णय लेंगे। उनकी निर्णय लेने की शक्ति इस महीने उनके बहुत काम आएगी। उनके साहस तथा पराक्रम में भी वृद्धि होगी, जो उन्हें हर चुनौती का डटकर सामना करने की योग्य बनाएगा। इसके अतिरिक्त आपको इस महीने विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यही दो विषय इस महीने अधिक कमजोर हैं। इसके अतिरिक्त दाम्पत्य जीवन में भी कुछ तनाव रह सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र के बारे में। तो दोस्तों, अगर बात की जाए आपके करियर की, तो आपके दशम भाव का स्वामी शुक्र छठे भाव में राहु और बुध के साथ विराजमान है, जिस पर मंगल की दृष्टि भी है। इसके अलावा दसवें भाव पर शनि की दृष्टि भी बरकरार रहेगी, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में आपके लिए अच्छे समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। आपके काम का आपको भरपूर फल मिलेगा और आप अपने परिश्रम से प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि उसका आपको लाभ मिल रहा है। कार्य क्षेत्र में स्थिति आपके अनुरूप रहेगी और आपकी बातों को सुना और समझा तथा माना भी जाएगा। इससे अधिक आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं। यदि आपके व्यापार की बात करें, तो ध्यान दें, इस दौरान बिजनेस को अधिक विस्तार देने से आपको बचना चाहिए। थोड़ा आगे के लिए इस व्यवस्था को टाल देंगे तो बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं कि इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी उसके विषय में। अधिकतम ग्रहों का प्रभाव आपके 12वें और 6ठे भाव को प्रभावित कर रहा है, जिसकी वजह से इस महीने आपको आर्थिक तौर पर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, और विशेषकर आपके खर्चों में अत्यधिक वृद्धि होने से आपकी आमदनी आपको कम महसूस हो सकती है, और इस आपको ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। कुछ धार्मिक कार्य में भी आपको खर्च करना पड़ेगा, और इसके अतिरिक्त परिवार के लोगों के संदर्भ में भी कुछ खर्चे आपको इस महीने करने पड़ सकते हैं। सभी ओर से खर्च होगा और उसकी वजह से आर्थिक दबाव आपके ऊपर रहेगा, जिसकी वजह से आपकी आमदनी कम पड़ सकती है। इसलिए आपको अभी से ये सोचना होगा कि किस प्रकार इन खर्चों को कम किया जाए, ताकि आप अच्छी आर्थिक स्थिति में बने रह सकें। कुल मिलाकर ये महीना आर्थिक तौर पर कुछ कमजोर दिखाई देता है। हालांकि मंगल के चतुर भाव में महीने के मध्य में गोचर करने के बाद आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, और उसका चतुर्थ भाव में आने से आप कोई चल या अचल संपत्ति भी खरीद सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सुकून अवश्य मिलेगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और मेरे साथ आखिर तक बने रहें। तो चलिए, अब बात करते हैं इस महीने आपके स्वास्थ्य के विषय में। यदि आपके स्वास्थ्य पर नज़र दौड़ाई जाए, तो ये पता चलता है कि राशि का स्वामी राशि में स्थित रहेगा।
लेकिन उससे सप्तम भाव में अष्टमी सूर्य का प्रभाव होने के कारण आपको बुखार, तेज सर दर्द या शरीर में दर्द की शिकायत रह सकती है। इसके अतिरिक्त आपको स्वास्थ्य के मोर्चे पर थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका छठा और बारहवां भाव कई ग्रहों की स्थिति के कारण एक्टिवेट रहेगा। वहीं छठे भाव का स्वामी बुध छठे भाव में राहु और शुक्र के साथ विराजमान है, जो कि इस महीने गोचर के दौरान सातवें और आठवें भाव में भी आएगा। इस स्थिति में आपको कोई रोग हो सकता है, साथ ही वाहन से दुर्घटना होने के योग भी बन सकते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक वाहन चलाना ही बेहतर रहेगा। आपको जोड़ों में दर्द की शिकायत भी परेशान कर सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों के पैर के तलवों में दर्द की शिकायत हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं आपके प्रेम, वैवाहिक और पारिवारिक जीवन के बारे में। तो दोस्तों, यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो ये मान लीजिए कि प्यार के मामले में आप काफ़ी खुलकर जी सकेंगे और आप अपने पार्टनर से अपने प्यार का खुलकर इजहार करेंगे, क्योंकि राहु शुक्र के साथ उपस्थित है और बुध उसको बल दे रहा है। ऐसी स्थिति में आपकी बातों से ही प्यार झलकेगा और आपके पार्टनर को ये समझते देर नहीं लगेगी कि आप कब रोमांटिक मूड में हैं और अपना प्यार जताना चाहते हैं। लेकिन ये सभी ग्रह छठे भाव में स्थित हैं और इनके ऊपर मंगल की दृष्टि भी है, जिसकी वजह से कभी कभी कोई बात बतंगड़ बन जाती है और उससे रिश्ते पर गलत असर पड़ता है। यही स्थिति आपके साथ भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त आपका कोई खास मित्र, जो आप दोनों का ही मित्र हो, आपके बीच तनाव की वजह बन सकता है, इसलिए ध्यान रखें कि इस रिश्ते में किसी तीसरे को बिल्कुल भी दखल अंदाजी ना करने दें, तभी आपकी लव लाइफ ठीक ठाक चल पाएगी। दोस्तों, यदि आप शादीशुदा हैं तो सप्तम भाव में बैठे सूर्यदेव और उन पर पड़ रही शनि की दृष्टि आपको कुछ दिक्कतें दे सकती है, क्योंकि सूर्य और शनि की सामने सामने की स्थिति दाम्पत्य जीवन में तनाव और झगड़े की वजह बन सकती है। इसके अतिरिक्त महीने के उत्तरार्ध में सूर्य आपके आठवें भाव में जाएगा, लेकिन मंगल चतुर्थ भाव में आकर सप्तम भाव को देखेगा। वो स्थिति भी आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अधिक अनुकूल नहीं कही जा सकती। इस प्रकार ये महीना आपके दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा तनावपूर्ण ही रहेगा। अगर पारिवारिक जीवन पर नजर डालें तो ये महीना काफी अच्छा नजर आता है। परिवार के लोगों को सुख की प्राप्ति होगी और परिवार में सामंजस्य बना रहेगा, जिससे आप भी प्रसन्न रहेंगे और घर परिवार वाले भी। महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा, उस दौरान आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं, जिससे परिवार में खुशियां आएंगी और सभी लोग प्रसन्न दिखेंगे। हालांकि इस दौरान ही आपकी माताजी का स्वास्थ्य गिर सकता है, जिसकी वजह से आपको उनकी चिंता होगी। छठे भाव का प्रभाव अधिक होने से दूसरों की बातों में व्यर्थ टांग अड़ाना आपके लिए बेहतर रिजल्ट नहीं देगा। हालांकि दूसरे भाव का स्वामी शनि आपकी राशि में होने से परिवार का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और धार्मिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिसमें परिवार की भागीदारी भी होगी और आप एक दूसरे के ज़्यादा पास आ जाएंगे। दोस्तों, इस महीने उपाय के तौर पर आपको काले कुत्ते को रोटी तथा दूध देना चाहिए तथा रविवार के दिन भैरव बाबा के दर्शन अवश्य करने चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी मेरे साथ बने रहने के लिए और अपने परिवार, मित्रों, स्नेही जनों, शिक्षा, नौकरी, व्यापार और लेन देन के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय हिंद।